इस सच्चाई से किसी को इनकार नहीं कि एक एक ईंट से एक बड़ी दीवार खड़ी होती है और फिर दीवार के बाद एक बड़ी सी इमारत बनती है। जी आदाब, नमस्कार, मैं हूं अकरम जफीर। 29 नवंबर 2019 का दिन सीतामढ़ी और खासतौर पर बिहार के लिए एक बहुत ही गमगीन दिन था, जब सीतामढ़ी जिले के बरगनिया थाना क्षेत्र के पचटगी पंचायत के मोहल्ले में एक मस्जिद बन रही थी, उसे दबंगों ने, हिंदुत्व लोगों ने उससे मना कर दिया। बाजाबता तौर पे इसके लिए मंदिर में मीटिंग की गई और जिसके बाद वहाँ के जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे उनके अंदर बहुत ही डर था, बहुत ही खौफ था, दहशत का खौफ पैदा हो गया था। इस खबर को हमने आप लोगों के सामने पेश किया था। खबर पे प्रशासन की नजर गई और अब बाजाबता तौर पे वहाँ पे मस्जिद की तामीर हो रही है। तो ऐसे में आपके ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि 2021 के नए साल के मौके पर अपनी शुरुआत डोनेट करके करें। ये नंबर है जिस पे आप गूगल पे, फोन पे कर सकते हैं। हम आपको ये तस्वीर दिखाना चाहते हैं उस दिन का, 29 नवंबर 2019 का, जहां हम गए थे और आप लोगों के सामने खबर पेश किए थे। इसके बाद सरकार की नींद, सरकार में जो बैठे हुए प्रशासन, उसकी नींद खुली थी और अब बाबा मस्जिद की तामीर हो रही है। इस वक्त हम जिस जगह पे हैं, यहाँ पे मुस्लिम समुदाय के लोगों को, एक तबके के लोगों ने मस्जिद बनने से मना कर दिया है, जिसके बाद ये मामला बढ़ता हुआ जा रहा है। जी हाँ, इस वक्त हम हैं सीतामढ़ी जिले के बरगनिया थाना क्षेत्र के पचटकी पंचायत के बराही गांव के वार्ड नंबर 6 में। ये जो पीछे जगह देख रहे हैं, इसे मस्जिद बनने के लिए तैयार किया जा रहा था, मिट्टी को खोदा जा रहा था, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, जो मेजोरिटी के लोग हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि हम यहाँ मस्जिद बने नहीं देंगे। और इस चीज़ को लेकर एक मंदिर में कुछ जो यहाँ के हिंदू तबके के लोग हैं, उन लोगों की मीटिंग हुई। तो ऐसे में आप माली मदद दे सकते हैं और अपने 2021 के शुरुआत को एक नए, एक अच्छे काम से शुरुआत शुरू कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में फोन नंबर, अकाउंट नंबर दिया गया है, आप वहां से जाकर ले सकते हैं और माली मदद कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको 29 नवंबर 2019 की रिपोर्ट देखनी हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां भी आप दे सकते हैं। इस खबर को दूर दूर तक पहुंचाइए और माली मदद कीजिए। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और एक साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।